अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसको नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे कागज स्कैनर के बारे में। बहुत ही बढ़िया स्कैनर एप्लीकेशन है ये आपके लिए। वाटरमार्क नहीं इसमें मिलता, ऐड नहीं आते और ये प्रोफेशनल ऐसे लगता है, लेकिन ये फ्री में आपको मिलने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस कागज़ एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा प्ले स्टोर है यहाँ पे हम चलते हैं, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं और बाद में हम उसे सर्च करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद हम यहाँ पे कागज़ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये ऊपर ही आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे होने वाले। तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ से पहले से उसे ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन के बारे में अगर आप नया एप्लीकेशन ढूंढ रहे तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप उसमें जब चला जाए, नीचे चला जाए, तब यहाँ से आप उसके कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, उसका रिव्यू देख लीजिए, ये कमेंट सेक्शन देख लीजिए, अलग अलग यहाँ पे लोगों ने कमेंट किए हैं वो सब कुछ इसमें देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसे अच्छे खासे से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जो डाउनलोड जो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोगों ने उन्हें डाउनलोड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने उसे डाउनलोड किया है। तो यहाँ से हम उसे ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस ऐसा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं टिल फ्रेंड टू अबाउट, यहाँ पर कागज़ एप्लीकेशन के बारे में इसमें दिया गया है। इसमें ऐड वाटरमार्क, आप अपना खुद का भी वाटरमार्क यहाँ से लगा सकते हैं। इसमें लैंग्वेज दी गई है, आप यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ दिया गया नहीं, इसके बारे में सेटिंग के बारे में बात करते हैं यहाँ से। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा इसमें भी कुछ ज़्यादा तो कुछ दिया गया नहीं है। यहाँ पे सेटिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग है, अदर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम यहाँ से पहले सेटिंग में क्लिक करेंगे। सेटिंग में क्या क्या है, आप यहाँ पे चेंज योर लैंग्वेज आप कर सकते हैं, जो आपकी जो लैंग्वेज है उसे चेंज कर सकते हैं। इसमें ऐड वाटरमार्क भी उसे कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छे से होगा। यहाँ पे साउंड की जो शटर है होता है शटर की, उसका साउंड भी आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। इसमें आप इनेबल टू फोन लॉक्स, यहाँ पे ऐप लॉक्स भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप अलग अलग तरीके से लॉक भी डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें एप्लीकेशन आपको दिए गए। तो सबसे पहले हम बैक आते हैं यहाँ से, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाना पड़ेगा। अगर आपको किसी को स्कैन करने का है तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाने का। फिर इसमें आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शन दिए गए। मेरा कैमरा नीचे है इसलिए ब्लैक दिखा रहा है। यहाँ पे PDF में कर सकते हैं, या फिर आपका गैलरी में अगर कोई फ़ोटो होगा तो इसके ज़रिए कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कैमरे के ज़रिए भी फ़ोटो ले सकते हैं। और इसमें बाद आप यहाँ पे प्रोजेक्टो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार आप अपना जो भी कागज़ है उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हमारा जो कागज़ है हम उसे ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा इसमें थोड़ा सा कागज़ को हम यहाँ से फ़ोटो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए हमारी फ़ोटो आ गई है। तो हम ऐसे अलग अलग भी तरीके से और भी फ़ोटो निकाल सकते हैं, जैसे कि मुझे और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो निकालनी है तो हम ऐसे और एक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पे वाटर मार्क, आपके यहाँ पे ये फर्स्ट इमेज हमारी हमने क्लिक की थी, ये सेकेंड इमेज हमारी आ गई है। तो ऐसे हम जितने चाहे अपने उतना बुक भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चल के इसमें भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें PDF में भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हमारे 2 पेजेस है, इसमें हम अलग अलग तरीके से उसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पे मेनू दिया गया है, आप यहाँ से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, इसे लेफ़्ट कर सकते हैं, यहाँ से राइट कर सकते हैं, नो क्रॉप भी कर सकते हैं, और फिर में यहाँ से हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे मेनू दिए गए हैं, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसी से डॉट पे घुमाने के बाद आप ऐसे उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं कि हम कितना हमें एरिया चाहिए। तो उसे हमने जो मेनू दिखाया वही बात, इसके बाद हम यहाँ पे उसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो कि स्कैनर होगा वो दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें अलग अलग यहाँ पे जो
इसमें जो इफेक्ट है वो ओरिजिनल इफेक्ट रख सकते हैं, मैजिक कलर रख सकते हैं, मैजिक कलर टू रख सकते हैं, या फिर कुछ अलग तरीके से भी आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, या फिर ग्रीन मोड भी इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और बाद में आपको यहाँ पे इसमें डन करने का, तो हम यहाँ से डन कर लेते हैं। डन करने के बाद हमारा जो स्कैन है वो सेव हो चुका है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, इसमें एडिट फिर से एडिट कर सकते हैं, इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आप जीपी भी कर सकते हैं और इसमें पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है पीडीएफ में कोई ऐसा इसमें ऐसा कुछ यहाँ पे या फिर किसी रूप से यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी भी तरीके से आपके सामने वाटरमार्क नहीं आता। तो हम फिलहाल के लिए हम यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे उसे और ओके में क्लिक करेंगे। तो ये हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। तो अलग अलग तरीके से हम अपना ऐसा करके हम अपना जो भी फाइल है उसे अलग अलग तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारी फाइल यहाँ पे दी गई है, तो हम यहाँ से अलग इसमें से भी आप अलग ऐसे इसमें और भी यहाँ से फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं इसमें से। तो यहाँ से हम ओके करेंगे इसे, तो फिर से हम हमारे कैमरे में आ सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपना जो भी है उसे हम अलग तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर उसे अलग तरीके से उसे कर सकते हैं। थोड़ा सा बैक आते हैं, बैक आने के बाद फिर से हम यहाँ से बैक आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, तो यहाँ से वही दिखा रहा है हमको। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स या माई फोल्डर में जाने के बाद आप यहाँ से जो माई फोल्डर का सेक्शन रहेगा वो यहाँ से हम थोड़ा सा उससे भी कवर कर लेते हैं। इसमें आप ऐड फोल्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से नोट्स लिख सकते हैं, आई कार्ड से स्कैन कर सकते हैं, या फिर उसे बिलिंग की प्रोसेस भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एप्लीकेशन ये सबसे बढ़िया मेरे ख्याल से और फ्री में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अच्छे खासे आप उसे अलग अलग तरीके से पीडीएफ बना सकते हैं या फिर स्कैन कर सकते हैं, और आपका जो फ़ोटो है फ़ोटो आईडी को भी आप पीडीएफ में बना के उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।